इस वीडियो में कोविड-19 पेंडेमिक के संदर्भ में पल्स ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल को दिखाया गया है। गंभीर कोविड-19 मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। पेंडेमिक के दौरान कीमती ऑक्सीजन का उपयोग कब करना है, इसका निर्णय लेने के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापना आवश्यक है। एक पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने के लिए किया जाता है और ये ऐसे गंभीर रूप से बीमार पेशेंट्स की पहचान करने में मदद कर सकता है जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए और ऑक्सीजन थेरेपी दी जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें, उपलब्ध ऑक्सीजन, फ्लो रेट्स और प्रशासनिक प्रथाएं स्थानीय प्रोटोकॉल और संसाधनों के अनुसार अलग अलग होंगी। सुनिश्चित करें कि आपको ये जानकारी हो कि आपके संसाधन में किस प्रकार की ऑक्सीजन थेरेपी उपलब्ध है, इसे कैसे वितरित किया जा सकता है और स्थानीय दिशा निर्देश क्या हैं। क्या आपको अपने पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने की आवश्यकता है? आपको यह तय करना होगा कि क्या आपके पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने की आवश्यकता है। निर्णय लेने के लिए आपको 5 प्रश्न पूछने होंगे। पहला, क्या आपके पेशेंट को बुखार है? दूसरा, क्या आपके पेशेंट को खांसी या सांस लेने में तकलीफ है? तीसरा, क्या आपके पेशेंट के सांस लेने के दर में बढ़ोतरी हुई है? चौथा, क्या आपके पेशेंट को कोई आपातकालीन लक्षण हैं, जैसे सांस लेने में रुकावट या सांस न आना, गंभीर सांस की बीमारी, सेंट्रल साइनोसिस, शॉक, बेहोशी, झटके या लगातार उल्टियां? पांचवा, क्या आपके पेशेंट को एक इन पेशेंट के रूप में भर्ती किया जा रहा है? पहला, बुखार। पिछले 14 दिनों में कोई भी ज्ञात बुखार की कोई भी शिकायत ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने के लिए एक संकेत हो सकता है। दूसरा, खांसी या सांस लेने में तकलीफ। पिछले 14 दिनों में खांसी, सांस लेने में तकलीफ या सांस लेने में कमी की कोई भी शिकायत ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने के लिए एक संकेत हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ किसी भी असामान्य पैटर्न के रूप में हो सकती है, जिसमें बहुत तेज, बहुत धीमी गति से, बहुत गहरी आवाज के साथ, जोर लगाकर या दर्द अथवा बेआरामी के साथ सांस से जुड़ी कोई भी असमानता शामिल हो सकती है। तीसरा, सांस लेने की दर में बढ़ोतरी। सांस लेने की दर में बढ़ोतरी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने के लिए एक संकेत हो सकता है। सैचुरेशन को मापने के अन्य कारणों की तुलना में ये थोड़ा जटिल है, क्योंकि सांस लेने की दर उम्र के साथ बदलती रहती है। आइए इस पर थोड़ा समय लगाते हैं। खुद को विभिन्न आयु समूहों में असामान्य रूप से बढ़ती हुई सांस की दर को याद दिलाते हैं। वयस्कों और 16 साल एवं उससे अधिक उम्र के बच्चों में 22 सांस प्रति मिनट या उससे अधिक सांस लेने की दर असामान्य होती है। 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में 30 सांस प्रति मिनट या उससे अधिक सांस लेने की दर असामान्य होती है। 1 से 5 वर्ष के छोटी आयु के बच्चों में 40 सांस प्रति मिनट या उससे अधिक सांस लेने की दर असामान्य होती है। 2 से 11 महीने के उम्र के शिशुओं में 50 सांस प्रति मिनट या उससे अधिक सांस लेने की दर असामान्य होती है। नवजात और 2 महीने की उम्र तक के छोटे शिशुओं में 60 सांस प्रति मिनट या उससे अधिक सांस लेने की दर असामान्य होती है। किसी भी पेशेंट की सांस लेने की दर में बढ़ोतरी होने पर उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन को पल्स ऑक्सीमीटर से मापा जाना चाहिए। चौथा, आपातकालीन संकेत। आपातकालीन संकेत देखे जाने पर पेशेंट को भर्ती करके ऑक्सीजन थेरेपी देने के साथ रिसेसिटेशन दी जानी चाहिए। यदि निम्न में से कोई भी संकेत मौजूद हों तो रिसेसिटेट करें, ऑक्सीजन दें और पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापें। गंभीर सांस की तकलीफ। गंभीर सांस की तकलीफ के लक्षण में शामिल हो सकते हैं सांस लेने में रुकावट या सांस न आना, छोटे बच्चों में सिर हिलाना, हेड नोडिंग, सांस लेने में नाक फूलना, घुरघुराना, ग्रंटिंग, आमतौर पर छोटे बच्चों में, ट्रैकियल टगिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन या इंस्पिरेशन के दौरान पसलियों के बीच त्वचा की आवक में खिंचाव और गहरी निचली छाती की दीवार का अंदर से खिंचाव या इंस्पिरेशन के दौरान पसलियों के नीचे से त्वचा की आवक में खिंचाव। अन्य आपातकालीन संकेतों में शामिल हैं खराब परफ्यूजन या कमजोर नब्ज
जो शॉक के संकेत हैं, बेहोशी, झटके या दौरे, या सारे भोजन और पेय और दवाओं की उल्टी करना। पांचवा, यदि आपके पेशेंट को संदिग्ध या कंफर्म्ड कोविड-19 या किसी अन्य सांस की बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, तो वाइटल साइंस के साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करें। उन पेशेंट्स के लिए जो साधारण ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं और जिनमें ऑक्सीजन का स्तर कम नहीं है, उनकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर उनकी कम से कम हर 6 से 12 घंटों में जांच की जानी चाहिए। भाग 2, ऑक्सीजन संतृप्ति को कैसे मापें। ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते समय अपने पेशेंट के लिए सही प्रोब का इस्तेमाल करना ना भूलें। विशेष रूप से छोटे बच्चों को उचित आकार की प्रोब्स की आवश्यकता होती है। गंभीर रूप से बीमार पेशेंट्स के लिए रीडिंग लेना मुश्किल हो सकता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ऑक्सीजन सैचुरेशन को आसानी से मापने के लिए हम 2 रणनीतियों की सलाह देते हैं। मापने के लिए सबसे पहले पैर के अंगूठे का उपयोग करने पर विचार करें, क्योंकि ये बच्चों को गोद में आराम से बिठाकर और उसे आराम देकर किया जा सकता है। दूसरा, मापने के दौरान सहयोग को और बेहतर बनाने के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग करके बच्चे को दूध पिलाने में व्यस्त कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर को पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन की रीडिंग को प्रदर्शित करने में कुछ समय लग सकता है। आपको लगभग 30 से 45 सेकंड इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आपका पेशेंट बहुत अस्वस्थ है और आपको रीडिंग नहीं मिल पा रही है, तो ऑक्सीजन लगाएं और तुरंत मदद के लिए कॉल करें। भाग 3, अगले चरणों को तय करने के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन का उपयोग कैसे करें। आपने अब अपने पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कर लिया है। परिणाम के आधार पर आपको यह निर्णय लेना होगा कि आपको ऑक्सीजन देनी है या ऑक्सीजन थेरेपी के बिना ही अपने पेशेंट को निगरानी करने की योजना बनानी है। यदि पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% या उससे अधिक है और उनमें कोई आपातकालीन लक्षण नहीं है, तो आपको अभी ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको कोविड-19 टेस्टिंग और आइसोलेशन के लिए स्थानीय प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। याद रखें, सभी भर्ती हुए पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन और वाइटल साइंस को हर 6 से 12 घंटे में मापा जाना चाहिए। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन की रीडिंग 94% से कम है या यदि आपातकालीन लक्षण पाए जाते हैं, तो नाक के प्रोंग्स या मानक ऑक्सीजन फेस मास्क के माध्यम से ऑक्सीजन दें और हर 2 से 5 मिनट में सैचुरेशन की जांच करें। अगली ऑक्सीजन थेरेपी का निर्णय पहली 15 मिनट की ऑक्सीजन थेरेपी के परिणाम के आधार पर किया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी के 15 मिनट के बाद अपने पल्स ऑक्सीमीटर के साथ फिर से ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच करें और देखें कि क्या रीडिंग उससे अधिक है या उससे कम है। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% या उससे अधिक है, तो मानक ऑक्सीजन थेरेपी जारी रखें जैसा कि आप कर रहे हैं और पेशेंट की निगरानी रखें। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% या उससे अधिक हो जाती है, तो ऑक्सीजन फ्लो रेट कम कर दें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ऑक्सीजन सैचुरेशन और वाइटल साइंस को कम से कम हर 4 से 6 घंटे में मापा जाना चाहिए। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट को अधिकतम कर दिया जाना चाहिए। जहां संभव हो वहां ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाया जाना चाहिए। अन्य उपायों में व्यसकों के लिए ऑक्सीजन रिजर्वायर के साथ फेस मास्क का उपयोग करना और शिशुओं के लिए हेड हुड शामिल है। एक और बार हर 2 से 5 मिनट में ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जानी चाहिए। अधिकतम कम फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी के 15 मिनट के बाद पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करके ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच करें। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% या उससे अधिक है, तो अधिकतम ऑक्सीजन थेरेपी जारी रखें और पेशेंट की निगरानी रखें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ऑक्सीजन सैचुरेशन और वाइटल साइंस को कम से कम हर 4 से 6 घंटे में मापा जाना चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन को 90% और 96% के बीच बनाए रखा जाना चाहिए। यदि अधिकतम ऑक्सीजन थेरेपी पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है,
तो जहां उपलब्ध हो आईसीयू में रेफर करें और जितना संभव हो सांस लेने के लिए सपोर्ट को बढ़ाएं। ऑक्सीजन संतृप्ति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कीमती ऑक्सीजन संसाधनों का उपयोग कहां करना है और कहां बढ़ाना है, यह तय करने के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन का माप सबसे अच्छा उपकरण है। इस कठिन समय में अपने पेशेंट्स के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।